शुरू किया है, लेकिन 1000 रुपया पे तुम्हारा भैया नहीं रुकेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाना है, खुशियां। मेरी बहनों, कब तक आंसू बहाएंगी, कब तक बेबस रहेंगी, कब तक मजबूर नहीं रहेंगी? मैं अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूत बनाऊंगा, मजबूत। अभी 1000 रुपया खाते में डाल रहा हूं, तो मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ कितनी है? 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1.25 करोड़ बहनें हैं, 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1000 रुपया डालता हूं, तो साल भर में कितना पैसा खाते में डालना पड़ेगा पता है क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितना? एक बार जोर से बोलो, 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ 15,000 करोड़ रुपया और कोई मेरे अलावा दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, दे सकता था क्या? कांग्रेस दे सकती थी क्या? लेकिन 1000 रुपया नहीं। अब पैसों का मैं इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे इंतजाम होगा वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। कितने करूंगा? 1250 से बढ़ा के फिर करूंगा 1500 रुपया। कितने करूंगा? और 1500 से बढ़ा के फिर करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के फिर करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के फिर करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के फिर करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के फिर करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद कितने रुपया करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और बोलो, 3000 रुपया करूंगा। और मेरी आत्मा को तभी चैन मिलेगा। 2 मिनट रुक जाओ, मैं सबके आवेदन लूंगा, बीच में मत बोलो भैया, ऐसे थोड़ी जाएगा। 3000 रुपया जब बहनों के खाते में हर महीना आएगा, तो बताओ दुख दर्द कम होंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कम होंगे कि नहीं? इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी कि नहीं? और यही मेरा लक्ष्य मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तुम्हारे हिस्से में काय को आंसू आए, जब मायके से सासरे जाती है तो माँ और भाभी के गले से आधा आधा घंटा रोती है मेरी बहने कि मुसीबत से कैसा छुटकारा मिले। ये आपकी जिंदगी बदलने आपका भैया शिवराज आया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं मेरी बहनों, कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूं, सारी तकलीफें दूर कर दूं, सारे कष्ट दूर कर दूं। और मुझे खुशी है कहते हुए कि मेरी बहनों ने इस पैसे का बड़ा सही उपयोग किया है। बच्चों के काम भी पैसा आया है। बच्चों के साथ साथ कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी पैसा इकट्ठे करके, कोई ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी। सुनो मेरी बहनों और भाइयों को भी बताना चाहता हूं, भाइयों पैसा अंततः तुम्हारे काम भी आने वाला है। तुम नाराज मत होना कि नहीं तो बहनों बहनों के लिए कर रहे हैं। ये पैसा परिवार की जिंदगी भी बदलेगा, और इसके साथ ही मेरा संकल्प है बहनों की आमदनी हर महीने घर का काम करते हुए मुझे 10,000 रुपया करनी है। 10,000 रुपया, और ये मैं करूंगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। यहाँ समूह की बहनें कौन है जरा हाथ उठाओ, स्वयं सहायता समूह की बहनों। बहुत सी बहनें मेरी समूहों में सदस्य हैं, समूहों को कई तरह के नए नए काम दे रहे हैं। वो स्कूल की ड्रेस सियेंगी, वो मध्यान्ह भोजन बनाएंगी, वो पोषण आहार की फैक्ट्री चलाएंगी, वो टोल टैक्स बसीरे का काम करेंगी,
वो नल जल योजना चलाएंगी। 10,000 रुपया आमदनी करनी है, हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी सुख से जिएंगे, हम भी सुख से जिएंगे। बताओ बहनों को सुख से जीना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब बहनें पीछे नहीं रहेगी, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को ठीक 2 बजे फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास पैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। देखो मेरी बहनों, कई फैसले किए। एक फैसला हमने किया कि माँ बहन और बेटी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा, गलत काम करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और उनके घर पे भी मामा बुलडोजर चलवाएगा, बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा, बदमाशों को किसी भी कीमत पर। क्योंकि सम्मान के साथ बहने अपनी जिंदगी जिए। शहरों में दारू की दुकान के पास जितने दारू के अहाते हैं सब बंद कर दिए गए हैं, कोई दारू का अहाता खुला नहीं रहेगा, ताकि बहन और बेटियों को कोई तकलीफ ना हो, या आपकी जिंदगी बदलने का भी आ जाए। और मेरी बहनों, अभी जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहे वो सुन लो, अभी 21 से लेके 23 साल की उम्र की जो बेटियां रह गई उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ट्रैक्टर वाले परिवार रह गए थे उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अगले महीने जो बहनें छूटी है उनका रजिस्ट्रेशन भी फिर से किया जाएगा, ताकि कोई बहन इस योजना से वंचित ना रहे। आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे भाई और बहनों, लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास के कामों को आज या तो लोकार्पण हुआ है या उनका शिलान्यास करने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, बांध सुजारा जैसी योजना कौन ने बनाई? आप बताओ, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? अरे बनाई थी क्या बांध सुजारा जैसी योजना? कांग्रेस ने सिवाय बर्बादी के हमें कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 18% और 16% ब्याज पे कर्जा देते थे, मैंने घटा के किया 0%। और आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैन और बेतवा योजना को भी मंजूरी दे दी, पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई होगी। इसमें तो ताली बजाओ ना, पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई की व्यवस्था होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं, 2,000 की 3 किस्तें, 6,000 प्रधानमंत्री जी डालेंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने तय किया कि 4,000 CMB डालेगा, लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 प्रधानमंत्री डालेंगे और 6,000 मामा डालेगा।
पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। अब हजार हजार बहन के हुए, वो तो बढ़ाऊंगा मैंने बता दिया, लेकिन अभी भी हजार किसान भैया के और हजार लाडली बहना के 2000, और घर में 3 बहू अगर हो गई तो 6000, तो 12×72000। अरे सोच के तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को कितना दे रही है, सबको फ्री में राशन। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या फ्री में राशन? और इसी टीकमगढ़ जिले में अभी 10,000 लोगों को हमने, जिनके पास रहने की जमीन नहीं थी, उनको पट्टा देने का काम किया है। सुनो टीकमगढ़ जिले वालों, ये शिवराज की गारंटी है कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा और प्लाट देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, पहले प्लाट का मालिक और उसके बाद धीरे धीरे मकान बनाए जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन, प्लाट देंगे, मकान देंगे, इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आप सोचो, कांग्रेस ने कभी इतनी चीजें दी थी क्या? अरे जोर से बताओ, दी थी क्या? कांग्रेस तो छीनने का काम करती है। मेरी बहनों और भाइयों, आपको याद है मैं जब पहले मुख्यमंत्री था तो एक योजना मैंने चालू करी कि मेरी गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया डालूंगा ताकि वो ठीक से खा पी सके, और जन्म देने के बाद फिर उसके खाते में 12000 डालूंगा, 16000 रुपया कुल मिला के। लेकिन बीच में कांग्रेस आ गई, कमलनाथ आ गए, तो मेरे 4000 और 12000 रुपया बंद ही कर दिए। बहनों, तुम्हारे मुंह से लड़ुआ छीनने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, कमलनाथ ने किया। मैंने दिया, उनने छीन लिया। और केवल इतना ही नहीं मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने बेटा बेटियों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता था। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने वो 25,000 रुपया भी छीन लिए। मैंने आने के बाद अभी अभी फिर 12वीं के बच्चों के खाते में, जिनके 75% नंबर आए, उनके खाते में 25,000 रुपया डाल दिए। और सुन लो, अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटा हो या बेटी हो जो पहले नंबर पे आए हैं, तो मामा बेटा को स्कूटर दिलाएगा और बेटी को स्कूटी दिलाएगा ताकि कॉलेज उस पर बैठ के जाएं। मेरी बहनों, हमारे बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में अगर दूसरे गांव जाएंगे तो मामा साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालेगा। 4,500 रुपया 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगे, उसके अभी अगले महीना डालूंगा, और जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे उनके खाते में भी 4,500 रुपया डालूंगा। और मेरे भैया ये और सुन लो, बहनों तुम भी ध्यान से सुन लेना, कोई गरीब हो चाहे किसान हो, बेटा बेटी की पढ़ाई में कसर नहीं रहने दूंगा। मामा मुख्यमंत्री है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। और ये सुनो मेरी बात, सब ध्यान से सुन रहे हैं, एक मिनट, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं तो सुनो, हमारे बच्चों ने 12वीं अच्छे नंबर से पास की और उनका एडमिशन बड़े कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में,
और ऊंचे कॉलेज में तो फीस बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है कम से कम 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सुनो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम तो बच्चों को